इंदिरे के आड़ती ने गेहूं खरीद करने बारे सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को गलत बताते हुए पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद पॉलिसी का बहिष्कार करने व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मंडी एसोसिएशन इंदिरे के प्रधान हरपाल मंडान की अध्यक्षता में एक मीटिंग कर इसका ऐलान किया गया। सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए बनाई गई पॉलिसी का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। इसके चलते पूरे प्रदेश में इस नीति के विरोध में सभी आढ़ती गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने गेहूं का पैसा सीधे किसानों के खातों में डालने की बात कही है, जिसका हम विरोध करते हैं। हरपाल ने कहा कि आढ़तियों ने किसानों को कुछ पैसा गेहूं के आने से पहले ही दिया होता है। किसान और आढ़ती का आपस में लेन देन चलता रहता है, जो कि फसल के पैसे आने पर ही काटे जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो आढ़तियों के पैसों को काटकर ही किसान के खेत में डाले तथा गेहूं खरीद सेंटरों को मंडी के नजदीक ही बनाया जाए, ताकि लेबर की दिक्कत ना हो। सरकार ने मनरेगा के लोगों को इस काम में लगाने के लिए कहा है, जबकि गेहूं के कट्टों की सिलाई के लिए तजुर्बे वाले लेबर की जरूरत होती है। मंडान ने बताया कि सभी आढ़ती सरसों की खरीद के लिए सरकार द्वारा 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का विरोध करते हैं और कहा कि सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज किसानों की फसलों को ही खरीदने की बात कही है, जबकि हमारी मंडी में यूपी के किसान भी फसल लेकर आते हैं। इससे हमें उनकी फसल को खरीदने में दिक्कत होगी। किसान नेता रामपाल चहल ने सरकार की नीति का विरोध करते हुए कहा कि छोटे किसान अपनी फसल को स्टोर करने में असमर्थ हैं। उनके पास गोदाम की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही वो इतनी देर गेहूं की फसल को रोक सकते हैं। इससे काफी आर्थिक नुकसान किसानों को सहना पड़ेगा। चहल ने मांग की कि सरकार को ऐसे में किसानों के लिए ज्यादा बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए। इंद्री अनाज मंडी में जो मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग भी छोटे स्तर पर बुलाई गई है लॉकडाउन को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, और कल हमारी स्टेट कार्यकारिणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग हुई थी, उसमें निम्नलिखित मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल की, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। प्रदेश स्तर की तरफ से जो आदेश आए हैं उनको सभी मंडियां पूर्ण रूप से पालन करेगी और सभी मंडियां एक साथ एक संगठित हैं, कोई भी मंडी इसमें बाहर नहीं है। और सबसे मेन मुद्दा तो पेमेंट का है कि जैसे ही सरकार द्वारा जो पॉलिसी लागू की गई है कि भाई हम अपने किसान का जो MSP का रेट है वो आढ़ती को पूरी की पूरी पेमेंट, जे फार्म की जो अमाउंट बनेगी वो उसके खाते में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, लेकिन किस आढ़ती भाई इसका ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। जो फसल के लिए जो एडवांस दिया गया उसको काट कर उसके बाद ही RTGS या चेक के माध्यम से आढ़ती पेमेंट देने के लिए तैयार है। और इसके बाद सरकार ने 3 गांवों पे एक सेंटर बनाने की जो व्यवस्था की गई है वह व्यवहारिक नहीं है। केवल मंडियों के नज़दीकी जिन सेलरों में पक्के फड़ा केवल वहीं चिन्हित किए जाए, वहीं व्यवस्था किए जाए पानी की बिजली की, वहीं पर ही माल तुलाई हो सकती है, अन्यथा 3-3 सेंटर पर जाके गांव में, ये 3 गांवों के एक सेंटर पर संभव नहीं है। इतनी दूर दूर आड़ती कैसे जाएंगी, क्यों काफ़ी संख्या में गांव है। उसके बाद जो सरकार द्वारा जो सरसों की खरीद का जो एजेंडा तैयार किया गया उसमें एक 11 मेमोरी सोसाइटी तैयार करने के लिए बोला गया है, केवल मात्र वही सोसाइटी काम करेगी। ऐसा उस सोसाइटी को केवल 40 रुपये मात्र आड़त मिलेगी। इस 40 रुपये आड़त पर कोई भी आड़ती या सोसाइटी बनाने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हम सोसाइटी बनाएंगे और ना ही 40 रुपये पर क्विंटल पर हम सरसों का कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ जो सरकार द्वारा एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत ही परचेज करने का मन बनाया है कि केवल उसमें हरियाणा के किसान की ही फसल खरीद होगी जो रजिस्ट्रेशन है केवल। इसके साथ साथ जो हमारे सीमाओं के लगते किसान हैं, जो हमारे पिछले कई पीढ़ियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम सीमांत किसानों के भी साथ के साथ फसल खरीद की जाए, उनका भी प्रबंध किया जाए। उसके बाद सरकार द्वारा जो ये सरसों की खरीद का जो सिस्टम तैयार किया गया उसका पिछले सालों का देखते हुए, वो भी पेमेंट पिछली सरसों की तो बकाया पड़ी है, उसके साथ साथ पिछले सीजन की जीरी की भी पेमेंट हमारी मंडियों के बकाया पड़ी है, वो भी जल्दी से जल्दी जारी किए जाए। उसके बाद हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भाई जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन खुलने के 10 दिन के बाद ही परचेज कार्य शुरू किया जाए। अगर जो मंडी में किसी को कोरोना वायरस की वजह कोई आकस्मिक ऐसी घटना घट गई उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, ना कि कोई आढ़ती भाई। तो लेबर का कैसा रहा है? लेबर का भी कोई प्रबंध नहीं है। लेबर का प्रबंध तो मात्र केवल जो दूसरी स्टेटों से लेबर आती थी तभी कोई सुचारू रूप से काम चल सकता है।
सरकार द्वारा कहा गया कि मनरेगा के तहत जो लेबर है उससे कार्य कराया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेबर कार्य करने के लिए जैसे आप सिलाई है, सिलाई स्पेशल मशीन से होती है, हमारा एक लोकल आदमी एक भी उस मशीन से सिलाई नहीं कर सकता। तो हम सरकार से यह भी अपील करते हैं, अगर जो सिलाई की बात आएगी तो सिलाई की भी समस्या खड़ी होगी, केवल अब की बार हाथ की सिलाई लागू की जाए ताकि उसको सिंपल कोई भी आदमी सिलाई कर सकता है। ऐसा अभी सरकार की तरफ से हमारे तो कोई नोटिस नहीं आया। अगर जो सरकार ऐसा कोई वारदाना देना चाहती है बहुत अच्छा है, इससे किसान को सुविधा होगी और हम साथ हैं। किसानों की भी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने इतने माल कैसे लगेगा, क्यों हर बार फसल कट के मंडी में आ जाती थी, एक दिन में जमींदार काट के अपना फारिग हो जाता था, लेकिन अब की बार इतना माल स्टोरेज कहाँ करेंगे, यह भी एक मेन समस्या है। इस पर भी सरकार जल्दी से जल्दी गौर करे और किसानों को या तो वारदाना जारी किया जाए या लेबर द्वारा उनको लेबर अप्रूव किया जाए, भाई कोई गोदाम दिया जाए उसमें, ताकि मैं अपने माल को सुरक्षित रख सके। किसान की समस्याएं बता सकूं, हमारे आगे क्या समस्याएं रही इनकी अड़तियों की, सरकार की रोज तुत मैम रही। आज फिर अड़तियों ने ऐलान कर दिया, उसमें जाओगे अपना हड़ताल में, और किसानों की फसल पकी खड़ी, कहाँ ले जाएगा किसान, हमने कोई राय नहीं पा रहा। कभी सरकार कह दा अग भाई स्टोर कर लो, किसान कहाँ कर लेगा, रोक लेगा, किसान के पास तो इतनी जगह नहीं है, और जगह भी है तो उसमें उसने पैसे देने तो उसमें थमास नहीं है। या तो सरकार बारदाना दे और जितने दिन उस पर रखवा हुआ किसान पर हम रोक भी लेंगे मान लो, तो कम से कम उसके मरते को 200-400 रुपये क्विंटल बोनस दे, तभी तो रोक सकेंगे। और मारा अरिन अड़ते को तो 60-70 साल तक हमारा पीढ़ियों से चल रहा है वो संबंध, क्यों तोड़ा इन्हें सरकार में, समझ हमने कभी भी नहीं कहा सरकार से भी हमारे पैसे आप दो, हम तो अड़तियों में तो लेकर खुश हैं। आज भी हम अड़तियों के लोग जुड़ रहे, और हमारे बाप दादा भी जुड़ रहे थे, हम तो अड़तियों के माध्यम से फसल बेच कर ही नहीं बोलते पैसे ले देकर खुश हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.